आप लोग एक्टिंग सीख रहे हो तो सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलेगा, अगर कहीं फाइट सीन है तो वहां पे आपको फाइट भी करना आना चाहिए। अगर आपको एक्टिंग करनी है, एक्टिंग फील्ड में अगर आपको अच्छा नाम करना है, आपको शोहरत पानी है और इज्जत पानी है, तो आपको एक्टिंग के साथ साथ फाइट भी सीखनी पड़ेगी। और फाइट आनी बहुत जरूरी है, वो एक्टिंग से रिलेटेड है फाइट भी। जैसे कि टाइगर श्रॉफ है, प्रियंका चोपड़ा है, उन्होंने मैरिकॉम में फाइट का सीन उनका हुआ था, तो उससे फाइट सीखना बहुत जरूरी है एक्टिंग के लिए। कई बार एक्टर को लगता है कि फाइट सीख के क्या होगा, मुझे तो एक्टिंग आती है, फाइट से मुझे थोड़ी ना ब्रूस ली बनना है, एक्टिंग आती है बस मैं एक्टिंग करूंगा। लेकिन फाइट भी आनी जरूरी है। अगर फाइट सीन हुआ तो आप लोग क्या करोगे वहां पे, आप शूट रुकवा दोगे, आपके लिए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर रुकेगा नहीं ना, तो फाइट आनी जरूरी है। Is that clear? Very good. करते हो तो आपको स्ट्रेंथ पे बहुत मतलब बुरा असर पड़ेगा, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। नशे पानी से दूर रहो, मैं खुद भी नशे पानी से दूर रहता हूँ। हेलो, मेरा नाम रोहित है और मैं मार्शल आर्ट करता हूँ। मार्शल आर्ट में मैं कुंग फू करता हूँ और मैं पुणे से हूँ। मैंने पुणे में ट्रेनिंग ली थी और मैंने ब्लैक बेल्ट तक ये किया है। मैंने केरल में जाके भी ट्रेनिंग ली है और हमारे मास्टर है श्री अंजुन मास्टर, जो चाइना में रहते हैं, ग्रैंड मास्टर है हमारे, और मैं वहाँ से मैंने ब्लैक बेल्ट किया है शाओलिन कुंग फू मार्शल आर्ट एकेडमी, हमारे एकेडमी का नाम है। एक स्टूडेंट को मुझे सिखा के बहुत मज़ा आया और ये भी बहुत स्ट्रेंथफुल है, फ्लेक्सिबल है,
और अच्छा करते हैं, ऑब्जर्वेशन पावर इनका अच्छा है, जल्दी कैच कर लेते हैं और बहुत ही मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने इनको सिखाते हुए। ये वाला ऐसा चाहिए, दोस्तों आप है रोहित जी, मार्शल आर्ट ट्रेनर है, फाइट सिखाते हैं हमारे लेग्स के स्टूडेंट को, तो मेरा तो ट्रेनिंग ही अच्छा है यार, दो चार पंच में ही पता चल गया, उम्र हो गई है, अपना सिखाने का काम चुपचाप करो। तो रोहित जी सिखा रहे हैं, अक्सर उन्होंने भी बताया सेशन शुरू होने के पहले कि एक्टर को ये लगता है कि सिर्फ एक्टिंग सीख के मैं एक्टर बन सकता हूँ और मार्शल आर्ट डांस ये सब फालतू की फिजूल की चीज़ें लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी फाइट सीन में अगर आपको कुछ करने के लिए बोला जाए और आप नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे पता है, पूरा का पूरा शूटिंग रुकवा दोगे, या तो दूसरा क्या करोगे, उस सीन से आपको निकाल के किसी और एक्टर को उस सीन में ऐड किया जाएगा। इसलिए फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइट का क्लास चल रहा है बच्चों का, आने वाले समय में हम यारी रोड बीच पर समंदर किनारे भी इसके कुछ सेशन करने वाले हैं। सो रोहित सर थैंक यू सो मच, रोहित सर के लिए जोरदार तालियां।